कर पूरे हो गए मुनीवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनीवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है। उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के 3 चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए अपने क्या क्या देखा। 7 महाद्वीप, 4 महासागर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजयी हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से। परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो। एक बार चंदा मामा का भी गणेश जी से पंगा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर चांदी बिखरी हुई थी। चलो चलो चलो, मूर्ख मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। अब तू ही इनको संभाल के रख। अब कहां भागेगा? प्रभु, जरा संभाल कर बांधिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा। जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी।
प्रभु। तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकेगा, जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा, मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें, ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं, किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदनी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदनी से वंचित नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ने भी कुछ ऐसा ही किया, कैसे चलिए देखते हैं। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने